आज का मैनेजमेंट टॉपिक है मैनेजमेंट गुरु श्री कृष्ण। श्री कृष्ण यानी बुद्धिमत्ता, चातुर्य, युद्ध नीति, आकर्षण, प्रेम भाव, गुरुत्व, सुख दुख और न जाने क्या क्या। एक भक्त के लिए श्री कृष्ण भगवान तो है ही, साथ में वे जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। आज के इस कलयुग के लिए गीता के वचन क्या कहते हैं? क्या छल कपट से बिजनेस करने वाले और रोजाना की जिंदगी में तेज गति से आगे बढ़ने की चाह रखने वाले युवा साथियों के लिए श्री कृष्ण के कुछ मायने हैं? क्या श्री कृष्ण केवल भगवान है? क्या श्री कृष्ण केवल अवतार थे? यत्र योगेश्वरो कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। दरअसल श्री कृष्ण में वह सब कुछ है जो मानव में है और मानव में नहीं भी है। वे संपूर्ण है, वे तेजोमय है, वो ब्रह्म है, वो ज्ञान है। इसी अमर ज्ञान की बदौलत आज भी हम श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों और गीता के आधार पर कॉरपोरेट सेक्टर में मैनेजमेंट के सिद्धांतों को गीता से जोड़ रहे हैं। श्री कृष्ण ने धर्म आधारित कई ऐसे नियमों को प्रतिपादित किया है जो कलयुग में भी लागू होते हैं। छल कपट से भरे इस युग में धर्म के अनुसार किस प्रकार आचरण करना चाहिए, किस प्रकार के व्यवहार से हम दूसरों को नुकसान न पहुंचाते हुए अपना फायदा देखें, यह श्री कृष्ण से हम सीख सकते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर हमने भगवान श्री कृष्ण के जीवन से कुछ ऐसे सूत्र निकाले हैं जो आज भी कॉरपोरेट कल्चर में अपनाए जाते हैं। इन्हें अपनाए जाने से न केवल कंपनी का भला होगा बल्कि समाज को भी इससे फायदा होगा। निश्चित रूप से ये मैनेजमेंट के सूत्र आज से कई सौ वर्ष पहले के हैं पर आज भी प्रासंगिक हैं। सबसे पहला सूत्र है श्रेष्ठ प्रबंधक। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए दो विकल्पों में से श्रेष्ठ मैनेजर भगवान श्री कृष्ण को चुना। दरअसल किसी भी कंपनी में अगर मैनेजर श्रेष्ठ हो तो वह किसी भी प्रकार के कर्मचारियों से काम करवा सकता है। इसके उलट अगर कंपनी के पास श्रेष्ठ कर्मचारी हो और उन्हें देखने वाला कोई अच्छा मैनेजर ना हो तो मुश्किल जरूर आएगी। सभी कर्मचारी अपनी बुद्धि के अनुसार काम करेंगे पर उन्हें दिशा निर्देश देने वाला कोई भी नहीं होगा। ऐसे में कंपनी किस ओर जाएगी कह नहीं सकते हैं। दूसरा सूत्र है नैतिक मूल्य व प्रोत्साहन। गीता में कहा गया है कि युद्ध नैतिक मूल्यों के लिए भी लड़ा जाता है। कौरव और पांडवों के बीच युद्ध के दौरान अर्जुन को कौरवों के रूप में अपने ही लोग नजर आ रहे थे, ऐसे में वह धनुष उठाने से मना कर देते हैं। इस ठीक इसी तरह आज के प्रबंधकों को असंभव लक्ष्य पूरा करने के लिए दिया जाता है, ऐसे में श्री कृष्ण जैसे प्रोत्साहनकर्ता की जरूरत पड़ती है। श्री कृष्ण का तीसरा सूत्र है अहंकार कभी ना करें। गीता में कहा गया है कि अहंकार के कारण नुकसान होता है। कई बार प्रबंधक लगातार सफलता प्राप्त करने के बाद अपनी ही पीठ ठोकता रहता है और यह समझने लगता है कि सब सफलता केवल उसके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन इसके बाद जब उसे असफलता मिलती है जिसके कारण क्रोध व अन्य विकारों का जन्म होता है, फिर व्यक्ति अपनी आकांक्षाएं पूरी न होने की स्थिति में तुलना आरंभ कर देता है। उसे जो कार्य दिया जाता है उसमें मन नहीं लगता और वह भटक जाता है। इस कारण अहंकार से दूर रहेंगे तभी सभी सब तरह की सफलताएं प्राप्त कर पाएंगे। अगला सूत्र है भीतरी व बाहरी सौंदर्य का ध्यान रखें। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के मन में कृष्ण के प्रति यह प्रश्न उठता है कि आखिर प्रभु आप हैं क्या। इस प्रश्न पर कृष्ण अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करते हैं। कृष्ण के विराट स्वरूप को देखने के बाद यह कह सकते हैं कि एक मैनेजर को अपना स्वरूप कैसा रखना चाहिए। दरअसल कृष्ण ने संपूर्ण सौंदर्य के बारे में कहा है कि मन की शुद्धता के साथ ही तन का वैभव भी नजर आना चाहिए। ठीक इसी तरह एक मैनेजर को अपने लुक्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उसका सौंदर्य केवल बाहरी ही नहीं बल्कि भीतरी भी होना चाहिए। अगला सूत्र है अपडेट रहें। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो पर साथ में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को अपडेट भी करते रहो। बिना ज्ञान के अपडेट के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। समय को पहचानो और उसके अनुसार ज्ञान लो तभी तेजी से आगे बढ़ सकेंगे।
अगला सूत्र है आत्मनिरीक्षण करें। गीता मनुष्य को लगातार आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करती है। कई बार मनुष्य दूसरों के कहने पर उद्विग्न हो जाता है और कई बार अपने कटु वचनों से दूसरों को उद्विग्न कर देता है। प्रोफेशनल लाइफ में यह दोनों बातें करियर के लिए बहुत ही घातक होती है। कान्हा इनसे बचते हुए स्वधर्म पालन करने की सलाह देते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक बेहद सफल मैनेजमेंट गुरु थे और हम उनके जीवन से ये प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो स्क्रीन पर बताए गए निर्देश के अनुसार इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर करें। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।